रहीम सब अहबाब को खुश आमदे। आप में से बास साथी तो हमारे पिछले प्रोग्रामों में भी शरीक हुए हैं, बास आज ही के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। तो अगर मैं मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि हमने यानी ग्लोबल पेंडेमिक नेशनल रिस्पांस इस हवाले से एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स किए हैं और ये आज हम आठवीं दफा मिल रहे हैं। शुरू में हमने ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को शरीक नहीं किया और तजुर्बे को इस मामले में आगे बढ़ाते रहे कि यानी एक ओरिएंटेशन भी सब लोगों की हो जाए और साथ साथ हम ये कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हों कि वेबिनार के बेस पे जो भी इनपुट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है वो भी हम बर वक्त शेयर कर रहे हों। तो अलहमदुलिल्लाह में जाने का मौका नहीं है। आज इस नशिस्त की ये है कि डॉक्टर वकार मसूर साहब जो पहले दिन से इन सीरीज में हमारे प्रोग्रामों की सदारत कर रहे हैं, लेकिन आज खुद इनकी टॉक है और वो अहम तरीन उनवान है मेरे आज के हालात में पाकिस्तान की इस वक्त करंट इकोनॉमिक आउटलुक क्या है और हम उसमें वे आउट के तौर पे क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि लोग इस वक्त शरीक हैं, उनमें से हर एक अपना अपना भी एक में बैकग्राउंड इस मौजू से है। ये भी आपके इल्म में होगा कि आईपीएस कमोबेश अपने कयाम के वक्त से ये एक्सरसाइज करता रहा है कि पाकिस्तान के बजट पे बजट आने से पहले या बजट आने के बाद अपना पॉलिसी इनपुट दे, अपना रिव्यू तैयार करके दे। तो आज की इस निशिस्त में जो बातचीत होगी वो हमें इस मामले में भी हेल्प करेगी कि हम एक बजट के हवाले से जिसका अब वक्त तो बिल्कुल सर पे है, मई का महीना शुरू हो चुका है, हम अपना इनपुट दे सकते हैं। तो मैं दावत दूंगा डॉक्टर वकार मसूर साहब को कि वो अपनी टॉक पेश करें, पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक एंड द वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई इस तारुफ का। मैं कुछ मतलब 10-15-20 मिनट शायद उससे भी ज्यादा हो जाए मैं कुछ गुजारिशात अपनी रख लूंगा, फिर मुझे यकीन है कि सवाल और जवाब में ज्यादा मवाद जो है वो सामने आएगा क्योंकि किसकी क्या दिलचस्पी होती है उस सब का अहाता करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन गुफ्तगू से जो है बात में बेहतरी आ जाती है। तो मईशत के हवाले से है और यानी कि तीन बड़े जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं इस वक्त वो ये कि मईशत जो है वो लॉकडाउन में है, बिल्कुल जिसे कहते हैं शटर्ड, यानी कि दो तिहाई, आप समझिए मैं दो तिहाई इसलिए कह रहा हूँ कि एक तिहाई हिस्सा जो है वो फूड से मुताल्लिक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से मुताल्लिक है, गैस की सप्लाई से मुताल्लिक है, यानी कि तवानाई से मुताल्लिक है। तो मतलब यानी कि इन दोनों को तो आप जो है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते और इनकी फराहमी जो है वो अजबस जरूरी रहती है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ 2/3 ऑफ द इकोनॉमी जो है वो शटर्ड डाउन है, लीविंग दिस थिंग। अच्छा कुछ मतलब यानी कि एग्रीकल्चर भी जरा सा देहात की चीजें भी कुछ मुतासिर होती हैं, कुछ नहीं मुतासिर होती हैं, लेकिन हम सबको भी जोड़ लें, अगर सारी ज़रात को भी जोड़ लें कि जनाब देखिए ज़रात के बहुत सारे हिस्से, एक ज़रात तो वो है जिसमें काश्तकारी हो रही है, एक ज़रात वो है जिसमें लाइव स्टॉक वगैरह है। तो मतलब मैंने ज्यादा वक्त लगा दिया इस बात में कि मैं 2/3 क्यों कह रहा हूँ और 1/3 क्यों, ये मतलब कोई हिसाब किसी ने किसी रिसर्च के जरिए या सर्वे के जरिए नहीं तय किया है, लेकिन एक इंटेलिजेंट गैस आप इसको कह सकते हैं। तो अब तो मईशत बंद है, मईशत का पहिया बंद है, जाम है, साथ में आपके जो गुर्बत आपके यहाँ है, अक्सर सवाद आजम जो है मुल्क का वो गरीब है और अगर उसको खाने पीने को नहीं मिला और ये तो उसके मसाइल, तो बहरहाल यानी कि इसमें कैश की फरहमी और राशन की फरहमी जो है
अगर हुकूमत लॉकडाउन कर रही है तो सारी दुनिया में हुकूमतों ने अपने आवाम का पर ख्याल किया और हमने भी किया है। अच्छा, अब इसके बाद जो है तो मतलब यानी कि इस लॉकडाउन की वजह से पहले फर्द जो है मुतासिर हो गया और खुसूसन उसमें से गरीब आदमी। दूसरी सतह पर जो है बिजनेसेस बंद पड़े और बड़ी बिजनेस तो खुसूसन बंद पड़ी है, ठीक है। मतलब सारी जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पहले से ही शट डाउन थी बेचारी, अब तो मतलब नट एंड बोल्ट्स के साथ जो है वो शट डाउन हो गई। स्टील आपका सब का सब इसी तरीके से है, फर्टिलाइजर चल रहा होगा, अब कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं, मतलब हनोज दिल्ली दूरस्थ। कुछ एक्सपोर्ट वालों को इजाजत दी है कि वो खोल लें और अपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह भेज दें, तो लिहाजा मतलब जो है घरों के सब बंद है, सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो बंद है और उसकी वजह से मजीद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आखिरी हदों को छू रहा है। अगेन सारी दुनिया में ही ये मसाइल जो है उनका हमें सामना है, ठीक है जी। तो अब फर्द का वहां पे हो गया, बड़े कॉर्पोरेट का हम इसलिए ख्याल करेंगे कि भाई उसने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है और लेबर को वो रखेगा, और मैं बताऊंगा इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं। फिर जो दूसरा हिस्सा है बिजनेस का वो एसएमई सेक्टर है, और एसएमई जो है मतलब एसएमई के मुतालिक हमें सही मालूमात नहीं है, लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। बहरहाल मतलब यानी कि इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी रिकॉर्ड इकोनॉमी से बाहर है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है और फर्द भी है और मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं, कुछ छोटे मोटे कारोबार भी जो हैं वो सब एसएमई के अंदर जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, अब इनकी हालत तो वही है, इनका जितना आप इनके निचली सतह पे जाते जाएंगे ये तो वही फर्द की बात बन जाएगी जो नंबर एक पर हमने कही थी, और उसकी जो जरूरत है कि उसे कैश फराहम किया जाए और उसकी दादरसी की जाए फौरी तौर पर राशन वाशन के जरिए से, तो वो उस फहरिस्त के अंदर चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे एसएमईज हैं जो मतलब 2 लाख तो काम करते हैं, वैसे तो लोग बात करते हैं 5.2 मिलियन, दिस इज सच एन एग्जैजरेटेड नंबर। 2 लाख है सिर्फ जो बैंकिंग करते हैं और कोई एक हिस्सा चंद लाख का यानी कि 5 से 8 लाख तक का वो टैक्स पेयर भी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 मालूमात हैं इस सिलसिले में, तो ये इनका भी ख्याल करना है। इनमें एक के पास पहुंचना निस्बतन आसान है लेकिन वो पुरकशिश नहीं है। दूसरा जो है वो लेबर वगैरह जो है जो कम निचले दर्जे का है उस तक पहुंचना महाल है, लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड्स जो है वो वहां से ज्यादा मिलेंगे। तो ये हम चैलेंजेस रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, देखें ये जो अभी भी तजब्जुब है हुकूमत के जहन में, इंतशार है सोच के अंदर, ये पहले दिन से है जब से ये वबा आन के छुई हमको, और हमने बड़ी ताखीर की लोगों तक पहुंचने के अंदर। अब देखें ना, वो अगर कतई नजर इसके केस पे क्या तनकीद हो रही है, टाइगर फोर्स जो है वो अब कह रहे हैं कि मैदान में भेजा है भाई, मतलब यानी कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छा तो जो है सारे मुल्क को खोल भी दो और आपने टाइगर फोर्स अब इन प्लेस की है तो खोलना भी चाहते हैं, मतलब क्या ये तजादात जो हैं इनका 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 ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ लोगों तक पहुंचने में मदद देने में जो है, लेकिन एक दफा फिर हमारे सामने ये अजीब गरीब और इस माशरे की बड़ी कामयाबी और उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी कुव्वत वो ये है कि मतलब जो जो जिस अंदाज में चैरिटी हो रही है, जिस अंदाज में लोग मतलब बेफराव दिली के साथ पैसे खर्च कर रहे हैं, ये नामवर लोग नहीं है, मतलब ये किसी इंडस्ट्री के मालिक नहीं है, ये कोई ग्रुप के मालिक नहीं है, लेकिन इनके दिलों के अंदर इतनी 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 वसत है, इतने गहरे हैं इनके दिल,
आवाम के दर से कि ये पहुंचे हुए राशन दे रहे हैं और उससे जो है बड़ी सहूलत हुई है। अब बाकी क्या हुआ है वो मैं अभी आपसे आपके सामने रखूंगा। पहले मैं इसके इस सारी चीज के असरात को समझने में मेरी गुजारिश होगी कि पहले हम जरा सा एक दफा फिर ये मोटी मोटी बातें मईशत कहाँ खड़ी थी के बारे में इस वबा की आमद से पहले, तो एक थोड़ा सा जहन जो है ताजा हो जाएगा कि इसके क्या असरात हम पे मुरतब हो रहे हैं। तो देखिए मतलब ये नहीं कि जो गुज़श्ता साल है उसमें यानी कि शुरू में तो इसका उन्होंने ऐलान किया था कि 3.3% ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद की जो हकायक है क्योंकि ये नंबर अनाउंस कर देते हैं वो अप्रैल के अंदर और 3 महीने बाकी होते हैं, 3 महीने की परफॉर्मेंस ही नहीं आपको मालूम होती, तो 3 महीने के जो नंबर आए हैं उनकी बुनियाद पर लोगों ने कहा कि ये तो 2% भी नहीं है, 1.8 बहुत हुआ तो 1.7 और 1.2 के दरमियान भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि चलें कतई नजर इसके 3.3 और 1.7 के दरमियान में जितना भी फासला है उस सबको जिसका दिल चाहे उस तरफ ले जाए। हर दो सूरतों के अंदर मईशत की जबूहाली या उसकी कमजोरी की अलामत, तो वो मतलब देखे ना ये मुल्क जो है अब इसकी जो आबादी है ये 7-8% से कम पे ग्रो करेगा तो ये गरीब ही रहेगा। ये मतलब जो है वैसे तो खुश हो जाएंगे हम कि भाई किसी ने 3 से हमारी ग्रोथ 5% कर दी, 6% कर दी, इससे काम चलेगा ही नहीं। इस और ये इसकी इस मईशत में ये सलाहियत मौजूद है अगर यहाँ पर जो बिगाड़ है उनको दूर कर दिया जाए। दूसरा ये कि हाई इन्फ्लेशन था, आपने देखा कि कम से कम 14 साल के अंदर तो ये इन्फ्लेशन 12-14 साल के अंदर नहीं था जहां पर पहुंच गया। अच्छा मतलब ये चीजें आ रही हैं 2019 से ही, ठीक है नहीं? IMF का प्रोग्राम देर से किया, वो प्रोग्राम भी हो गया, उसके बाद की ये मुश्किल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मुश्किल आई हैं कि इन्फ्लेशन हमारा कहाँ चला गया। फिर ये कि रेवेन्यू परफॉर्मेंस आपने साइन ऑफ कर दिया कि मैं 42-45% जो है टैक्स एनहांस करूंगा और आपकी परफॉर्मेंस 16-18 के दरमियान में जो है ना हवर करती रही है। तो मतलब ये नहीं इसमें कोई इम्कान नहीं था कि जो हदफ था उसको हासिल किया जा सके, बल्कि बहुत शदीद खला पैदा हो रहा था। अच्छा अब एक अजीब गरीब चीज हाई इंटरेस्ट रेट की, मतलब ये भी इंटरेस्ट रेट्स आपने दहाइयों में नहीं देखे होंगे कि 13.5% के ऊपर जो है वो था। अच्छा फिर साथ में जो है वो लानत हॉट मनी की आ गई और फिर हर किसी को समझ में आ गया कि ये जो जायद शरह सूद है ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद इन हॉट मनी लाने वालों की दिलजोई करना और उनके लिए इसको पुरकशिश बनाने के ही मामला थे। तो उससे भी एक मजीद बिगाड़ पैदा हो गया हमारी मईशत के अंदर। अच्छा पिछले साल जो है जरा सी एक आध बात और बता दूं, मतलब कम से कम 3 दहाइयों में तो इतना बड़ा डेफिसिट नहीं हुआ था 8.9 का जो पिछले साल हुआ। मजीद बरा ये मतलब जो है डेफिसिट के साथ जब आप अपने जो कैपिटल लॉसेस होते हैं डिवेल्यूएशन के उन सबको मिलाते हैं तो तकरीबन 7-7.5 trillion रुपए का डेट में इजाफा हो गया। ये भी एक साल के अंदर इतनी बड़ी मकदार में कौमी कर्जे का बढ़ना ये वाकया कभी भी नहीं हुआ, यानी 1.5 trillion हो गया होगा, लेकिन 7 trillion तो बाद लोग कहते हैं कि जी वो तो आपने जितना दूसरों ने लिया था 5-5 साल में आपने 1.25 साल के अंदर 1 साल ही के अंदर लेके जो है उनसे सबक लेके चले गए।
अच्छा तो आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया जनाब, एक रिव्यू मुकम्मल हो गया सितंबर वाला, जनवरी वाला आप सबके सामने है। यहाँ पे जाते हुए तो उन्होंने कहा था कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर अचानक उन्होंने ऐलान किया कि जी वो हो गया। और फिर इस वक्त तो एक नजरा की हालत में है, ये है या नहीं है ये किसी को सही इल्म नहीं है। महफूज तरीन बात जो कही जा सकती है वो ये है कि ये फिलहाल मौतल है, सस्पेंडेड है, गो के रस्मन कोई इस बात को नहीं नहीं इसको 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 कहेगा। और आइंदा के लिए मतलब देखे ना, अब तो मतलब वही राधा और नौमन तेल वगैरह जो है वाली बातें हैं। अभी तो मतलब ये नहीं, बजट अभी तो लॉकडाउन में पड़े हुए, बजट कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, कैसे बात होगी, तो वो सारे मसाइल है। तो प्रोग्राम का भी इस वक्त कुछ नहीं मालूम कि प्रोग्राम कहाँ खड़ा हुआ है। जब हम दाखिल हो रहे हैं, एक उम्मीद थी कि प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन अब जो है क्या हालात हैं और प्रोग्राम जो है उसमें किस तरीके से फीचर करेगा, ये बातें हमारे अभी करने की है। अच्छा जी, तो ये तो चैलेंजेस थे, यानी मईशत कुछ इलाकों में अच्छी बेहतरी थी, कम से कम मतलब जो मैनेजर्स थे वो इस बात की मेहनत कर रहे हैं लोगों में ये साबित करें उनकी तनकीद के बरखिलाफ कि बहुत काम हो रहा है और हमारी रिकवरी हो रही है और हर तरह से बेहतर जा रहे हैं। तो चले इस कजिए से मतलब जो है कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि मईशत मतलब तबाह नहीं हो रही थी, कुछ बेहतरी के आसार ठीक है पैदा हो रहे थे, लेकिन ये भी नहीं है कि वो चौकड़ियां मार रही हो और नई नई मंजिलों को फटाफट और फर्राटे भरते हुए जो है वो कर रही हो। तो मतलब यानी कि पहले यानी कमजोर मईशत तो थी, अगर उसमें आसार भी थे बेहतरी के, मईशत तो कमजोर थी, बीमार थी और डॉक्टर जो है उसकी बराह रास्त निगरानी में भी थी आईएमएफ। अच्छा जी, अब जब ये बड़ी सादा सी बात है, मतलब ये कि देखें जब ये पेंडेमिक आ गई और इसकी इस पेंडेमिक में मतलब ठीक है लोगों को मुतासिर हो रहे हैं, वो अस्पतालों में जा रहे हैं और जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ, लेकिन इसे रोकने का वाहिद रास्ता ये है कि घर में बैठ जाइए, कोई दुनिया में इसके मुकाबले की तोड़ की चीज नहीं लेकर आया है, ठीक है जी। और जिसने कोशिश की, जैसे बोरिस जॉनसन ने कोशिश की हर्ड इम्यूनिटी का नजरिया जो है उसके मुताबिक, तो देखें उसके क्या लाले पड़े में और क्या लानतान भी हो रही है और क्या मतलब उसमें खताए अजीम की है कि अपने लोगों को मरवाया इतनी बड़ी तादाद के अंदर। फिर मतलब अमेरिका ने भी यही काम किया है कि मरवाया लोगों को बहुत आखिर में जाकर जो है लॉकडाउन जो है उन्होंने शुरू किया। अच्छा, तो जब लॉकडाउन की ये खसूसियत ठहर गई या उसका ये वजीफा ठहर गया कि बीमारी से लड़ने का वो तरीका है, तो अब सब चीजें ठप। और मतलब आईएमएफ की एमडी ने भी ये कहा कि लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइवलीहुड, और मैं मतलब इसका जो हूँ मुझे कोई हिजाब नहीं है ये कहने के लिए कि मैं तो समझता हूँ कि लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइवलीहुड, ठीक है जी। हमारे वजीर आजम साहब की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है और तो लिहाजा इससे इस पे बाद में बात कर लेंगे, सारे वक्त बात होती रही है। तो अब कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए, तो आपकी रिस्पॉन्सेस क्या होनी चाहिए भाई? ये जो शॉक आया है इसको अलाउ पीपल टू एडजस्ट एब्सॉर्ब दिस शॉक। तो सबसे पहले एसबीपी के जरिए से इन्होंने तमाम कर्जों की जो है वो रिशेड्यूलिंग करा डाली, ठीक है। अभी मतलब शायद उसकी मौसर शक्ल आने में और भी वक्त लग जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो भी एक सहमाही के अंदर अदायगियां जो है वाजिब अल अदा थी उनके लिए कह दिया गया कि जनाब वो एक सहमाही के लिए मौखर हो गई, जिस दिन वो काबिले अदायगी थे।
इंटरेस्ट के साथ कुछ निस्बतन दूसरी तरीके से उसकी भी सहूलत जो है वो करवा दी गई। पहले तो इंटरेस्ट रेट को 3 माह के लिए जो है वो कर दिया जाए, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल जो है उसको तो 2 साल के लिए जो है या 1 साल के लिए उन्होंने जो है बढ़ाया आगे। पर लोगों को जो है उससे सहूलत मिली, आज उसके नंबर्स भी आए हैं, वो 300 अरब रुपए जो है लोगों के रिशेड्यूल हो गए हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब फिर उसके साथ उन्होंने जो है कुछ अपने 75 बेसिस पॉइंट अपने इंटरेस्ट में से कम किए, और फिर अजीब नॉवेल सा ख्याल लेकर आए कि एक नई रिफाइनेंसिंग स्कीम 7% के ऊपर लेके आ रहे हैं हम, और वो जो है मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाईज वगैरह के लिए और इस तरह के दीगर कामों में। तो कुछ और भी आएगा, मैं आप आगे चल के जरा बताऊंगा और जो स्कीमें हैं। नो जो मतलब इतनी देर लगाई है सर, अभी इतनी देर लगाई कभी, जो असल इनका इंटरवेंशन है वो एहसास प्रोग्राम की है, ठीक है। और एहसास प्रोग्राम के जरिए से उमूमन सिर्फ 4.5 मिलियन लोग होते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इसमें 12 मिलियन अफराद जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। अच्छा, 2000 रुपए माहाना का वजीफा तो पहले ही मिलता था, ठीक है जी। अब इन्होंने उसमें कहा कि यार 1000 रुपए का और इजाफा कर देते हैं, और यकमुश्त इनको जो है ये 3 महीने का 4 महीने की ये पहुंचा दी जाए तो 12000 रुपए बन गए। तो 12000 रुपए का कैश ट्रांसफर, मतलब बहुत हुमंगस प्रोजेक्ट है, इतने लोगों में जाकर 1,20,00,000, और ये फैमिलीज है तो मतलब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम 7 करोड़ से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचने का एहतमाम हुआ है, और ये गरीब से गरीब तर लोग जो है उनकी बात हो रही है। अब देखें, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बड़े बड़े मसाइल हैं। यानी एक चीज वो जो अपने IRS ने चेक्स भेजे हैं वो लोगों को मिल गए अमेरिका के अंदर, चले अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन यार इतना हमारा जटियल है, हम तो पहले कर चुके हैं इसी प्रोग्राम के अंदर, वो जो है एक कार्ड बना दिया करते थे, लोग जाकर जो है मशीन से अपने पैसे निकलवा लिया करते थे। अब पता नहीं इन्होंने ये क्या सिलसिला शुरू किया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और मतलब लोग दिन मुकर्रर करके आइए फलाना दिन जो है आप वसूल करें कमा रहे हैं। तो सभी मतलब जब अब आपके पास कुछ कोई आप कोई और तो फैस मुतबादिल नहीं है आपके पास, कुछ और करेंगे आपने तो मतलब जो कह दिया आप उसको जाएंगे लेने के लिए। तो आपने देखा कि मतलब लोगों को इसके हुसूल के अंदर बड़ी दिक्कतें पेश आई, लेकिन अभी भी जो है ये शायद 6.5 मिलियन तक पहुंचा है, और बहुत काम अभी बाकी है। मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये कहा था कि ये 60000 रुपए होना चाहिए, और ये आप 2 हिस्सों में बांट दें, 30000 की 2 ट्रांचेस दे दें, ताकि मतलब फिर ये सारा देखें। मतलब वजीर आजम अजीब बात करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी कि गरीब जो है वो मर जाएगा, दूसरी तरफ इससे मतलब जो है दामन बचा रहे हैं कि गरीब तक पहुंच जाए और उसको पैसे दे दें, यार अजीब बात नहीं है ये। और आपसे कह रहे हैं कि आप जितना पैसा दें गरीब को, घर बैठ के उसको जो है आराम करने दें थोड़े दिनों के लिए, है हर चीज जमीन की जो है वो उस वक्त छुट्टी पे गई हुई है और जमीन की रिपेयर हो रही है, माहौल की रिपेयर हो रही है, तो आप इन्हें भी जाने दें। लेकिन वो बार बार जो है कहते, तो कुछ उनकी सोच में जो भी कोई उलझन है वो आपको आपके इल्म में है। अच्छा जी, इसके बाद जो है SME के अंदर अभी एक इंटरवेंशन लेकर आए, और वो इंटरवेंशन जो है वो ये है कि इन्होंने निशानदेही कर ली कि जनाब जो भी कोई SME है वो इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल करता है, और अपनी तरफ से वादा कर लिया कि 5 किलो वाट तक का
जिसका कंजम्पशन है कमर्शियल मीटर पे, और 70 किलोवाट तक जिसका इंडस्ट्रियल कनेक्शन के ऊपर मीटर है, इन दोनों को तलाश कर लिया और इन्हें यकमुश्त तो नहीं, हर महीने देंगे, बड़ी मुश्किल से इस पे भी राजी हुआ। तो वो जो भी उनका एवरेज बिल था वो उनको दे दिया गया, वो और वो उनके अकाउंट में डाल दिया गया। और वो यानी इस तरीके से उससे आप मुस्तफीद होंगे, जब आइंदा आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल नहीं देना पड़ा होगा क्योंकि क्रेडिट आपका वहां पर होगा। ये हमारे भाई मिर्जा साहब जो हैं, यकीनन इनकी रगें फड़क रही होंगी इस सारे मामले पर, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर रहे हैं तो ये यकीनन इसके ऊपर वो करेंगे। और बातें हैं मैं बताऊंगा फिर। अच्छा जी, अब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज बहुत मतलब जो है धूमधाम, लेकिन मतलब ये नहीं, एक एक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर कुछ बातें हो सकती है लेकिन उसे छोड़ दीजिए, सब बातें मान लीजिए उसकी, मतलब कंस्ट्रक्शन, और खुद कहते हैं कंस्ट्रक्शन से जो है 25-40 दीगर सनअतें चलती हैं, ओ भाई, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन को खोल रहे हैं तो आप उन सबके खोलने का इंतजाम करेंगे, और वो उनको कैसे खोल सकते, लोग कैसे पहुंचेंगे अपने कामों के ऊपर, हैं बसें कहाँ हैं, ट्रांसपोर्ट कहाँ है, और फिर तो एक और मैं बताऊं आपको, ये जिसको भी तजर्बा है घर वर बनाने का वो बताएगा आपको कि वो जिस वक्त छुट्टी हो, ये मिसाल के तौर पर शटरिंग वाले चले गए बैठे, मतलब जो है एजेके के अंदर जहाँ से वो आते हैं या इधर हजारा वगैरह के इलाके से, वो अब आप काम पे अभी वापस नहीं आ रहे जो है कोई, और आए कैसे, मतलब न सड़क है ना गाड़ी है, कुछ सब चीजें बंद पड़ी हुई। खैर तो ये एक मतलब जो है ये काम जो है वो हो रहा है। अच्छा एक और बड़ी सहूलत, देखिए सबसे बड़ा जो यानी कि जरूरत है बिजनेस को किसी भी सूरत में थोड़ा बहुत चलाने के लिए इन हालात में जब डिमांड विमांड सब पेटी हुई हो, तो उन्हें मतलब जो है जितनी आप उनकी लिक्विडिटी, देखें इस वक्त ये सारा अप्रोच हमने किया है कि ये लिक्विडिटी का इश्यू है कि भाई आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, अगर आपने कायम भी रखना है अपने लोगों को तो भाई कुछ पैसे दें, लिक्विडिटी पूरी करें ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे। ये सॉल्वेंसी का मामला नहीं है, यानी कि लोग बैंकक्रप्ट नहीं हो रहे हैं और ये नहीं है कि मतलब बिजनेसेस जो है इस वजह से बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद है इस वजह से कि कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में महसूर होने पर बंद मजबूर हो गए। सो लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए, एक तरीका जो है लिक्विडिटी बढ़ाने का उन्होंने काबिल सताइश है, सब लोग तारीफें भी कर रहे हैं इसकी, कि वो टैक्स रिफंड्स जो हैं वो बड़े लिबरली जो है ना, वो इनकम टैक्स हो, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, सब में जो है इन्होंने वाफर मकदार के अंदर लिबरली टैक्स रिफंड्स दिए हैं, जिससे मतलब लोगों की मतलब इन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए। अच्छा साथ में इन्होंने जो है एक और काम किया जिससे आम आदमी को भी बिजनेस को सबको फायदा हुआ है कि वो जो प्राइस एडजस्टमेंट्स थे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के उनको मौखर कर दिए, ठीक है ना, ये काम प्राइम मिनिस्टर इससे पहले कर चुके थे और इसी वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो रुके जा रहा था, लेकिन इससे बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिल गया, बिजनेस को मिल गया कि भाई चलें ये अब तो, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे आपको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है और मंथली बेसिस पे ऑयल फ्यूल एडजस्टमेंट है, अब इसकी मिटिगेशन भी हो रही है ये काम जो किया है हुकूमत ने, क्योंकि ऑयल प्राइसेस का अगली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये। अच्छा यहाँ भी इन्होंने जो है ना कमजोरी दिखाई है और ताखीर की है, यानी देखे ना प्राइसेस तो क्रैश हो गई थी मार्च के शुरू के अंदर, ये बैठ गए जनाब के वो तो फिर अब 1 अप्रैल को करेंगे, अरे यार किसने मतलब कोई खुदाई कानून है कि या कोई हर महीने की उस तारीख को ये करेंगे, जब आपके पास माल आ गया। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर टैंकर्स कभी ऐसे भी आते हैं 10-10 दिन तक
यानी कि 20 तारीख तक खरीदारी होती है, बाकी 10 दिन कुछ भी नहीं होता। तो वो पहले 19-20 दिन की जो है ना खरीदारी, उसकी बेसिस पे कीमत तय हो जाती है। और हम यहाँ इस मुल्क में, मैं खुद सेक्रेटरी पेट्रोलियम, हमने वीकली प्राइस एडजस्टमेंट का निजाम चलाया हुआ है। हर हफ्ते ऑयल प्राइस चेंज होती थी, उससे कंज्यूमर को ज्यादा फायदा है, ठीक है ना, क्योंकि फौरन उसके पास वो चीज पहुंच जाती है। और अगर आप चार उसको हिस्सों में जोड़े और आखिरी हिस्सा खराब आया तो पहले तीन भी जो है ना वो भूल जाते हैं, और जो बेचने वाले उनके लिए जो है वो आसानी है। एनीवे नाउ, तो अब ये ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई, देर कर दी, मैं बता नहीं सकता कितनी देर कर दी इन्होंने इसको देने में। 25 को पिछली दफा इन्होंने अनाउंस किया और हमारी जो हिसाब किताब था उससे कहीं कम उन्होंने पास ऑन किया, इस दफा भी कम पास ऑन किया। अब आप देखें ना कि क्या मजहब का खेस सूरत है जिससे हम दो चार हैं। अगर 80-81 रुपए का पेट्रोल है, डीजल है, तो उसमें 45 रुपए जो है ना वो टैक्सों के पड़ेंगे इस तरीके से। अब भारत हुकूमत तो कहती है हमारे पास तो टैक्स कहीं और से आ नहीं रहा, अब यही तरीका रहेगा, इसी से आएगा। तो लेकिन कत नजर इसके ये एक बात हो गई। इस वक्त अगर देखिए ये मामला ना होते और ये सूरत आई होती तो बखुदा हमारे मुल्क के दिलद्दर दूर हो गया होता, हमारी मईशत जो है उसके अंदर नई रूह ठुक गई होती, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो गए होते, हमें IMF के प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहती, ठीक है ना। क्योंकि IMF का प्रोग्राम देखें, जब हम 15 से 20 बिलियन डॉलर के दरमियान हमारी मांग हो 16-17 बिलियन डॉलर एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, ये तो हमारी कमर टूट गई ना सर, टूट गई हमारी कमर। इसको आप कहां से, फिर एडिबल ऑयल अगर जोड़ लें आप इसमें, तो आप पे इतना बार है इसका कि इसके बगैर आपकी जिंदगी रवा नहीं हो। तो अब जब इतनी बड़ी कीमत में गिरावट आए तो वो तो मतलब जो है अल्लाह हू अकबर, इतना असीम शान। देखिए लोग पहले ही रो रहे थे कि आपने मतलब आनकर इतना बुरा बजट दिया जिससे हमें हमारा टैक्स बढ़ गया, इंडिविजुअल टैक्स रेट बढ़ गया, लोग बद्दुआएं देने लगे। ओ भाई मतलब यानी जो प्राइस 120 चल रही थी वो अगर 40-50 रुपए पे आ जाती, चले यार थोड़ा ले ले 60 रुपए पे कर देते, आधी निस्फ कर दे, तेल तो मतलब जो है उड़ गया है 3/4, लेकिन आप निस्फ की बात कर ले, ठीक है जी, निस्फ भी आ जाता लोगों के हाथ में तो उनकी जिंदगी बदल जाती, इतनी बड़ी अजीम शान उनके अंदर तब्दीली आती कि भाई रियल इनकम हमारी बढ़ गई। ये बिल्कुल मतलब यानी कि जिस तरीके से आप कीमत बढ़ने से गरीब हो जाते हैं, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर वेल्थ, ऐसे ही जब ये आपको पॉजिटिव प्राइस शॉक मिलता है उससे आपकी वेल्थ बढ़ जाती है, आसानियां पैदा हो जाती हैं लोगों को, लोग खर्च करते हैं, चीजें जो है चलने लगती है, मईशत चलने लगती है। अच्छा जी, अब हम जो है नए बजट के मसाइल हमारे सामने खड़े हैं। टैक्स की इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब हो गई, यानी अगर टैक्स के मुतालिक मैं आपको चंद मालूमात दूं, हमने 5550 बिलियन है, 5550 अरब रुपए का टारगेट था हमारा। अच्छा, वो हर कोई कह रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है, जब 3828 आपने अरब पे साल खत्म किया है तो वहां से अगर फासला जोड़े आप तो 45% की ग्रोथ आती है। अच्छा, उसके बाद जो है अंडर प्रेशर और मतलब यहाँ 16% की ग्रोथ बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो ये उसके बाद जो है इन्होंने IMF के साथ इसको कम करके 5238 अरब रुपए के बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखें उस पे ये कहते थे नहीं, हम 4700 से ऊपर ज्यादा नहीं जा सकते, पाकिस्तानी कहते थे भाई ये मान लो
वो कहते थे नहीं हम ये 5238 से नीचे नहीं आएंगे। अब आप देखें कि क्या हालात हैं, मतलब क्या चीजें बदली हैं कि IMF ने नई प्रोजेक्शंस की हैं और कहा है 3908 कुल हासिल होगा। तो 3908 3842 और 3828, 3 साल से इसका मतलब आपका टैक्स स्टेगनेंट, 3 long years, तो आप किस तरीके से चलेंगे, चलना मतलब जो है ये अच्छा। तो यानी मजहब का खेज बात हो गई 3908। उन्होंने कहा जी ये जो रिवाइज टारगेट है इसके हिसाब से जब हमने वर्किंग की के 3 महीने में क्या करना चाहिए, तो हमने मार्च में ओवर परफॉर्म कर दिया, 200 अरब रुपए जो है 256 हमने कर लिए हैं, जबकि करने हमको 200 अरब रुपए, कसम से क्या जो है ये मसला है। अच्छा जी, तो ये 2-4 बातें मैं और आपके सामने रख दूं, ये बल्कि मैं आगे चलता हूं और मैं जरा आगे क्या होने वाला है। देखिए आगे होने वाले में सबसे बड़ा जो है मसला वो ये कि मतलब हमारे बात साथी जो हैं मतलब पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन वगैरह के, वो तो कह रहे नहीं एग्रीकल्चर जो है वो तो इससे बचा हुआ था तो वो अच्छी ग्रोथ दे देगा और लिहाजा मतलब पॉजिटिव ग्रोथ होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना है। IMF ने कहा -1.5%। देखिए जी अगर इफ देर इज एनीथिंग लेस देन 5% तो मैं तो मतलब जो है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगा और मैं मुझे खुशी होगी कि मैं गलत हुआ। मैं तो कह रहा हूँ मतलब यानी 5% तो कहीं नहीं गए, 5% नेगेटिव ग्रोथ, जरा ज़हन साफ रहे, ठीक है जी। और 5% नेगेटिव ग्रोथ का मतलब यह है कि 2-3 साल पीछे, जैसे टैक्स में बिल्कुल इसी तरीके से पीछे जा रहे हैं आप, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से जा रहे हैं आप टैक्स के मामले के अंदर भी जो है। तो लिहाजा तो अच्छा देखें इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जुलाई फरवरी का है और वो 3.5% नेगेटिव है। ये उस वक्त का डेटा है जब अभी इंडस्ट्री खुली थी, जैसी तैसी भी थी, कम पैदावार दे रही थी, अब तो बिल्कुल मतलब शटर्ड ना, बिल्कुल शटर डाउन मामला हो गया। तो अच्छा ये उस वक्त जब ये बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में पॉजिटिव होगा, अब नई खबरें आ रही है कि वीट जो है जिसके मुताबिक गुमान था कि 27 या 28 मिलियन टन है, वो 25 भी अगर हो गया तो बहुत। तो लिहाजा एग्रीकल्चर तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, यानी मेजर क्रॉप्स, बाकी तो सर वो बस अपने हाथ से डाल देते हैं ना कि भाई वो सर्वे हुआ था कब और उससे दूध इतना निकलता है और जो हमारी गायें हैं इस दौरान के अंदर उनके स्टॉक में जो इजाफा हो रहा था उसके बेसिस पे अभी इतनी हो गई। ये तो सिर्फ ज़न और तख़मीन वाला मामला है, हकीकी चीजें नहीं होती। तो इन पर ज्यादा हमें इन्हसार भी नहीं करना चाहिए और हमको इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखिए दुनिया में तबाही आ रही है, आपको पता है लोग कह रहे हैं अमरीका में, पहले आप सुन लें अमरीका के अंदर क्या हुआ है। अमरीका के पहले क्वार्टर में इस साल के एनुअलाइज्ड बेसिस पे 4.8% नेगेटिव पहले क्वार्टर के बेसिस, जिसमें अभी मार्च शामिल है। अच्छा मार्च शामिल था तो इसका मतलब चले बहुत नहीं तो भाई चलो एक महीना था कोरोना का, ओ भाई अब देखें क्या है वहां, ये जो क्वार्टर आएगा तब आपको मालूम होगा। बाद एस्टिमेट्स जो है वो 30-30% के हैं कि आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी आपकी वेल्थ डेसिमेट हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। 1 trillion उनके पहले भी खो चुके हैं 2008 में, लेकिन अब ये तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है जी। सो हमें मतलब जो है अब देखे ना, अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं चली
आपकी एग्रीकल्चर खुसूसन जो ज्यादा लंबी वैल्यू चेन देते हैं जैसे कॉटन वगैरह बीट भी किसी हद तक, तो वो नहीं चले तो इसका मतलब ये है कि सर्विसेज भी नहीं चलेंगी और सर्विसेज तकरीबन 60% है आपकी, आपको सिवाय बैंकिंग के और चीजें अब थोड़ा सा मतलब पिकअप किया है ट्रांसपोर्ट ने, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब ये नहीं कि चलें गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर तो सिफर है ना सर, सिफर, कोई बस नहीं चल रही इंटरसिटी, कोई रेल नहीं चल रही, कोई हवाई जहाज नहीं चल रहा। अच्छा तो मतलब ये इतने बड़े बड़े होल्स आने वाले हैं आपकी, क्योंकि सनत बनत नहीं चल रही तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह जो है वो भी डाउन है, ठीक है जनाब, ये भी मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग काफी डाउन होगा जिसकी वजह से सर्विसेज जो हैं वो सब के सब मुतासिर होंगे। चलिए अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट्स जो हैं लो हो गए, ठीक है जी, मैं रेवेन्यू की बात आपसे बता चुका हूँ 3900 वाली बात, ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 4% नीचे हो गए, लेकिन अब उसके बाद इन्फ्लेशन कम हुआ है, मतलब यानी इसी इट इज ए मजहब का फेस बात, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स ही नहीं वर्क कर रही, तुम किस बात का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो यार 6-7% का, है किसको दे रहे हो यार तुम, है ये पैसे इतना तो उन्होंने कमा लिया बैंकों ने अपने पिछले दिनों में तुम्हारे 13.5% करने में, वो यार थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब इसमें क्या है, तो आप देखें वो सिफर में हो गया है, है? क्या अमेरिका में सेव नहीं करते लोग जो उनको इसकी परवाह हो गया सिफर इंटरेस्ट रेट कर दिया है, वो एक 25 जो है 75 basis point इंटरेस्ट रेट था इंग्लैंड के अंदर, उसे 25 basis point कर दिया, यानी कि 0.25, ठीक है, मतलब हर जगह खत्म हो गई बातें, ये बिल्कुल बेकार इकोनॉमिक्स है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और इंटरेस्ट को यूज करना, ये करना सब बेकार है, सब का सब बेकार है बिल्कुल। तो वो जो है इंटरेस्ट रेट्स आगे नीचे आएंगे और उनसे भी लोगों के लिए जिस वक्त भी खुलेगा आसानियां पैदा होनी चाहिए, इन्फ्लेशन अभी तो नीचे जा रहा है और भी मेरे ख्याल में एक आध महीने जाएगा, लेकिन हमें ये जो सप्लाई शॉक्स जो है उनका ख्याल करना है, सप्लाई शॉक्स का ख्याल करना है, ये मतलब आपकी सब्जियां आपके आपके फल हैं, ये बड़े क्रिटिकल आइटम्स हैं, इनकी इनकी फरावानी और कम कीमतों पे, मतलब इस हुकूमत को चाहिए कि बड़ी तगड़ी कड़ी नजर रखे कीमतों के ऊपर, वरना कीमतें आपने नजर हटाई तो मतलब कीमत वाले जो हैं अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे। अच्छा तो इन्फ्लेशन आगे जो है कम होता वही नजर आएगा इंशाल्लाह। अब आ जाता हूँ मैं आपको जरा जो है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए मेरी नजर में 2020-21 का साल जो है, अगर इससे बुरा नहीं गुजरा तो इससे कोई बहुत अच्छा भी नहीं होगा, यानी 2021 जो है ये तो ट्रंप ने कह दिया यार कि ये तो 2 साल चलेगा है, तो ये हम जो है हमारी कैफियत या सब सारी दुनिया की कैफियत एक जैसी होगी, ये नहीं है कि हम बंद पड़े होंगे बाकी सब खुले हुए होंगे, तो वहां पर जो है 2021 का साल जो है मुझे नजर आ रहा है उतनी ही मुश्किल का साल, या मतलब कम से कम इतनी मुश्किल जितनी कि हमने यहां देखी है वो चलता रहे, ठीक है जी चलता रहे। अच्छा नाउ ये साल तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, जितना वीट पैदा हो गया ये इससे अच्छा स्टोरेज भी हो जाएगा और आपका खाना पीना भी जो है वो सारा हो जाएगा, खदशा ये है कि अगले साल फूड सिक्योरिटी को भी खतरा लाहक, और वो खतरा कहाँ से आया है, टड्डी दल से, लोकस्ट से, और लोकस्ट इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ, इस वक्त लग रहा है मुल्क का यानी कोरोना को छोड़कर सबसे बड़ा मसला जो है वो लोकस्ट है। आप में से सब यानी आप दीगर भाई भी, हमने तो देखा, मुझे याद है बचपन के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलोनी वॉलोनी के अंदर पले बड़े, वो जहीर अब्बास के वालिद जो हैं वो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे, इंजीनियर भी थे वो हैं, या उन्होंने पढ़ी भी थी कोई प्लांट प्रोटेक्शन की डिग्री वगैरह जो है,
और भी हमारे यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन के लोग रहा करते थे यार, वो लोग बड़े मतलब जिसे कहते हैं नस्बतन हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और उनको इज्जत और शर्फ वगैरह हासिल होता था। वो भाई कहाँ चला गया प्लांट प्रोटेक्शन, वो कहते एक जहाज है वो भी खराब पड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे हम बचपन के अंदर टड्डी दिल हमने देखा है और फिर मतलब जहाज का इस्तेमाल भी देखा है, वो जहाज जो स्प्रे करने वाला होता था ऊपर से नजर आता था हमको। अब जनाब सब भूल भाल भी गए हुई, और ये जो 18वीं तरमीम के जुनून ने जो कुछ दिखाया है उसमें से एक ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट रह गया है लेकिन इसकी कोई कैपेसिटी नहीं। मैंने बताया ना कि ये मतलब हाल है इसका, और अब वो कह रहे हैं कि जी वो मैं मंगा रहा हूँ, लीज कर रहा हूँ। मैं अभी जो हमारी थिंक टैंक की मीटिंग थी उसमें बेचारे ये फखर इमाम साहब आए हुए थे और बड़ा मलूल थे इस बात पे कि ना वसाइल है ना कुछ है किस तरीके से, और लोकस्ट जो है। फिर मैंने कल देखा अरशद शरीफ का प्रोग्राम, उसको खुसूसी एक्सेस दिया गया था, वही ये जो नया सेंटर बना है कमांड एंड कंट्रोल, तो वहां पर जो है इसके मुतालिक बातचीत हो रही थी अपने अपने ये लोकस्ट के मामले में। और वहां पर जो है मतलब हर कोई कह रहा था कि अगर ये नहीं किया तो ये चीज ये जमीनें तो बंजर हो जाएंगी। तो ये एक हमारे लिए जो है फूड सिक्योरिटी का इशू है। अच्छा अब मतलब ऑब्वियसली ये लॉकडाउन जितना चलेगा उसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाएगी, इसके असरात भी जो है वो होते जाएंगे। आखिरी बात ये है कि IMF वर्ल्ड बैंक G20 इन सब ने मदद की है, तो ये जो आपकी हॉट मनी चली गई इंटरेस्ट रेट्स को नीचा करने की वजह से, तो हमें IMF ने $1.4 बिलियन दे दिए। ये अपने खुदा आपका भला करे ADB भी मदद कर रहा है और वर्ल्ड बैंक भी मदद कर रहा है। हमारे को पैसे मेरे ख्याल में मैं नहीं देखता कि फौरी तौर पर कोई हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, मतलब हमारे पास तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उड़ चुका है, डेसिमेट हो चुका है क्योंकि वो तेल की कीमत टूट गई, लेकिन मतलब यही कि तो लिहाजा मतलब कोई डिमांड नहीं है डॉलर्स की ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसके ऊपर जो है ये अदम इस्तेकाम की सूरत पैदा हो। तो हमारे रिजर्व वगैरह जो है इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, और ये G20 जो है इसने भी कोई नियर $2 बिलियन का जो है वो इम्पैक्ट है इस सारे अगर अगर ये हो जाए मतलब हो रहा है जो जो अभी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की इश्यूज है। तो मैं मेरे ख्याल में यहाँ रोकता हूँ और फिर सवालात वगैरह जो है उसको उसको ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ाहिर है इकोनॉमी बहुत ही बड़ा मौजू है और इन खास हालात में उसकी वसत में और भी इजाफा हो गया है, चैलेंजेस के नुक्ते नज़र से देखें, आइंदा प्रोग्राम के नुक्ते नज़र से देखें, और मुझे यकीन है इसीलिए सवालात अभी कई एक होंगे। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर ज़हीर डार साहब आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप अपने कुछ कॉमेंट्स भी दीजिए और अगर सवाल भी आप कर सकें। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। डॉक्टर वकार मसूद साहब असातिज़ा में से हैं और इनकी बातें जो हैं वो बहुत गौर से सुनने वाली होती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और ये हमेशा एकेडमिक फ्रीडम के भी हामी रहे। मैंने इनकी बातें बहुत गौर से सुनी, एक दो चीजों पर के अलावा तकरीबन बाकी हर चीज से मुझे इनसे इत्तेफाक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर फ्यूचरिस्टिक हो जाऊं, आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज की रिमिटेंसेस थी वो भी रुक गई है, और जो अभी तक जो मतलब मिडिल ईस्ट से इट हैज ड्राइंग डाउन, यूरोप से इट हैज इट्स ड्राइंग डाउन, तो वो जो हमें ऑयल की वजह से फ्यूल ऑयल्स की वजह से हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिला
और जो G20 और IMF की वजह से हमें सपोर्ट मिली, तकरीबन उतना ही हमें दूसरी तरफ ओवरसीज रेमिटेंसेस की तरफ से जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बात जवाब दूंगा, ठीक है आप जरूर फरमाइए। डॉक्टर साहब ने एक और बात की ग्रोथ की, आपके IMF की जो प्रोजेक्शन है वो -1.5 है। मैं और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जिसको हर साल हम एक एवरेज फिगर के साथ और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को एक एवरेज फिगर के साथ ग्रो करवा के एक ग्रोथ बना लेते हैं, इस साल तो ये दोनों भी नेगेटिव आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे जो बेसिकली हम वी आर इनटू कंट्रैक्शन इन अ बिग वे, और ये कम से कम 10% कंट्रैक्शन है। ठीक, सब ठीक है, ठीक जा। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि इस बजट के हवाले से सामने आ रहा है वो ये है कि अगर हमने आज से 3 साल पहले वाली रेवेन्यू करेक्शन पर चले जाना है, रिसोर्सेज उन पर चला जाना है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर साइड है उसका क्या बनेगा? हमने एक्सपेंडिचर अगर हम रेवेन्यूज और रिसोर्सेज 3 साल पुराने पर हैं, तो क्या हम एक्सपेंडिचर भी 3 साल पुराने पे जा रहे हैं, और क्या हमें भी जाना पड़ेगा, और क्या हम पॉलिटिकली और स्ट्रेटजिकली इस पोजीशन में है कि उस 3 साल पुराने एक्सपेंडिचर पर चले जाए? ये बजट को बैलेंस करना, अगले बजट को बैलेंस करना बड़ी जोखों का काम होगा, और उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक रिपरकशंस होंगी। एसएमई सेक्टर जिसको हम हर साल ग्रो करवा देते हैं, एसएमई सेक्टर का हाल इतना बुरा है, मैं चूंकि एसएमई सेक्टर के साथ ये जो हमारी गुजरांवाला सियालकोट बेल्ट है इसमें मेरी बड़ी हैवीली काम करता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनके साथ, एसएमई सेक्टर के साथ, तो वहां पर तो प्रैक्टिकली घर पे बैठे हैं सारे। अगर कंजम्पशन ही नहीं हो रही, अगर हमारी कंजम्पशन ही फूड की हद तक लिमिट हो गई है, और एसएमई सेक्टर जो प्रोड्यूस हो कर रहा था वो बिक ही नहीं रहा, तो फिर क्या बनेगा? हमारे टैक्स कलेक्शन मजीद डाउन जाएगी। एक और चीज जो हमें शायद जहन में रखनी चाहिए कि हमने अपने रिसोर्स गैप को ब्रिज करने के लिए बहुत सारे फिजिकल मेजर्स लिए, आरडीज लगाई इंपोर्ट पर, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी महंगी हुई, और हमने शायद फिजिकल मेजर्स इतने ज्यादा ले लिए कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को किल करना शुरू कर दिया, और पिछले 1.5-2 साल में हमें ये मिड टर्म बजट जितने नजर आए वो सारे इसी तरह थे कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को किल किया जाए, ऊपर से कोविड आ गया, तो ये दोनों इंपैक्ट जिसके मिक्स हुए। तो अगर कोविड ना भी होता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज इनटू कंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दोस फिजिकल मेजर्स, ऑन टॉप ऑफ इट जिसके कोविड आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल। रमजान में जो स्पेंडिंग पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, रमजान हम हर साल रिटेल का डाटा इकट्ठा किया करते थे और उसको पिछले साल रमजान के साथ कंपेयर किया करते थे, इस साल का अभी तक जो डाटा आया है तो पिछले साल के डाटा का 70% भी नहीं है। कंजम्पशन अगर नीचे जा रही है तो आपके चूंकि टैक्सेस बहुत सारे कंजम्पशन रिलेटेड हैं, स्पेशली सेल्स टैक्स, तो आपकी रेवेन्यूज भी 30% नीचे जाएंगे इस पीरियड के। इस सूरत हाल में क्या हम अगला बजट बैलेंस करने की पोजीशन में होंगे? क्या हमें उन इदारों को भी अपने अखराजात कम करने के लिए कहना पड़ेगा जिन्होंने ट्रेडिशनली कभी अपने अखराजात कम नहीं किए, और इस बहुत सारे लोग दबे लफ्जों में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन होगा, और क्या वो इदारे ये बात मान लेंगे? मैं अपनी बात यही रखूंगा, बहुत सारे मैंने कमेंट कम किया है, सवाल बहुत सारे पूछे,
और मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब इन सवालों का जवाब मुझे जरूर देंगे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह। और भी कुछ सवाल खालिद भाई जमा कर लेना, फिर एक साथ कर लेंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं। आप अली कोई सवाल कर रहे थे, बाकी शुरका अगर हमें इशारा कर दें कि वो सवाल करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला। जी खालिद इकबाल साहब, हामिद मिर्जा साहब। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत आज छोटा सा सवाल है, इंस्पायर्ड बाय आपके जो आखिरी कमेंट्स हैं उससे, कि अगर हम इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार स्टेजेस में लिंक करें, मसलन हाइपोथेसिस ये है कि अगर लॉकडाउन होता है या इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन भी होती है तो ऑब्वियसली उसका असर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की सप्लाई चेन पे भी पड़ता है, लेबर पे भी पड़ता है और आउटपुट या प्रोडक्शन के लेवल पे भी पड़ता है, जिसका एक एस्पेक्ट ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो आपको ऑब्वियसली इंडस्ट्री से शायद इस दफा टैक्स का रेवेन्यू वगैरह भी कम हो जाएगा। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो आपके आपकी असेसमेंट में हमारी जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हैं उस पे किस हद तक असर पड़ सकता है? व्हाट इज अ कंजर्वेटिव असेसमेंट के इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट पे कितना असर पड़ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी खालिद अकबर सर। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, मेरा सवाल एक तो ये है कि जो थिंक टैंक की जिसमें आपने बात की कि कल मीटिंग थी, शायद ये वही थिंक टैंक है जिसकी कुछ रिपोर्टिंग नेशनल प्रेस में भी आई और मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये सुनकर कि उन्होंने 6 इंडिकेटर्स को फोकस किया है इस नेशनल अपनी जो इकोनॉमिक टीम है इस वक्त पाकिस्तान की, और जिसमें एहसास प्रोग्राम है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसके जगह इन्होंने जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उनको कहा कि अभी हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, हालांकि माइक्रो इंडिकेटर्स के साथ प्ले करके मेरे ख्याल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अभी भी स्लिप अवे हो गई हैं और हम उनको पकड़ सकते हैं और पार्शियल एडवांटेज ले सकते हैं, वो हमें लेना चाहिए। और मुझे ये एहसास हुआ है उस रिपोर्ट को पढ़ के प्रेस में कि हमारे यहाँ कोई इस क्राइसिस को डील करने के लिए शायद कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट मौजूद नहीं है, या वो करना नहीं चाहते या वो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज देना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल ऑयल की प्राइसेस में जितनी अपॉर्चुनिटी हमने लूज की है, उसके अलावा भी अगर हम फॉरवर्ड ऑर्डर्स प्लेस कर दें जो भी अभी प्राइसेस हैं, तो हम आईपीपीएस को कम रेट के ऊपर यही फ्यूल दे के हम बहुत सारी चीज़ों को ऑफसेट कर सकते हैं, विच वी डोंट वॉन्ट टू डू इट। आई अंडरस्टैंड आईपीपीएस का एक बहुत बड़ा माफिया है, शायद वो उसको नहीं होने दे रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो ताज़ा बात चली है और कहीं से पैसे वैसे विंडफॉल आ रही है 1.4 बिलियन कहीं से 1.2 जो आपने इंडिकेट किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात जाके ट्रिलियंस पे ख़त्म होनी है और बहुत जल्द इसमें जो है इंटरवेंशन वाले इंस्टीट्यूशंस दे विल बी फटीग्ड, क्योंकि अगर जब तक ये वैक्सीन नहीं आती और लोगों का इलाज नहीं हो जाता, उनकी इम्यूनिटी नहीं आ जाती, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी ने शायद काम नहीं किया इस वक्त, कंक्लूजन इस वक्त तक यही है। तो मेरा ख्याल है ये 100 जूते 100 प्याज वाली बात है, कितनी दफ़ा हम लॉकडाउन करते हैं, कितनी दफ़ा स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, कितनी दफ़ा हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आई सिंसियरली फील देर इज लैक ऑफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन आवर इकोनॉमिक टीम एट नेशनल लेवल, और हमारा बहुत बुरा हाल होगा और आखिर में हम अपने ही शॉर्ट विल बी लेफ्ट टू मैन आवर ओन थिंग्स एट आवर ओन विल बी लेफ्ट टू मैनेज आवर ओन थिंग्स, एक्सटर्नल मदद कम होती जाएगी और मे बी वी आर अनेबल टू पे एंड पेंशंस विद इन ए स्पैन ऑफ 1 year अगर हमारे हालात यही रहे। तो हमने कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया लोगों की ग्रास रूट लेवल पे भी जाने के लिए। जैसे आपने बताया कि बहुत सारा इन्होंने बिजली का रिफंड दे के उनको दे दिया कि आप आइंदा बिजली का फंड नहीं देंगे, तो उनकी जो लेबर को आपने रिटेन करना है, वाई डोंट यू सेंड देयर सैलरीज थ्रू देम एज ए लोन, जीरो इंटरेस्ट के ऊपर लोन दें, बल्कि उनके कहें कि जो टाइम के ऊपर रिफंड करेगा उसको हम और कंसेशन भी देंगे और माइनस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाके उनको इंसेंटिव्स दें। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखनी है, अदरवाइज वी आर एंडिंग अप इन अ बिग ट्रबल। दूसरी चीज़ों को आप देखते हैं कि जो है विल हैव टू सीरियसली फ्रीज और मे बी
बैक ट्रैक अवर पीएसडीपी एंड जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्पेंडिंग है उसके ऊपर हमें उसको कंट्रोल बल्कि रिवर्स गियर में जाना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक चीजें और हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाते। फिर इस चीज में जो हमारे कट डाउन ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज हाउ वी हैव टू बैलेंस आवर बजट, एटलीस्ट दिस बजट एंड द नेक्स्ट बजट, तब तक अगर हालात ये कोविड के अंडर कंट्रोल नहीं आते तो। लेकिन इसकी तरफ कोई इस वक्त मेरे ख्याल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आई एम नॉट वेल इन्फॉर्म्ड ऑन दिस, इसको उधर रोशनी डालिए और बताइए कि इन लोगों के इरादे क्या है। ये तो मुझे लगता है कि हाथ पांव खुले हुए हैं या इंटेंशनल ये काम नहीं करना चाहते, जो मेरे जैसे नलायक आदमी को जिसको एक इकोनॉमिक्स के एबीसी भी नहीं पता, आई कैन लुक इनटू दीज थिंग्स एंड गिव अप दीज ऑफ द कफ थिंग्स। इन लोगों को तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों के हल देने चाहिए। कई साल हम यहाँ यहाँ से कट डाउन करेंगे ताकि हमारा बजट बैलेंस हो जाए और यहाँ यहाँ से जो मदद आ रही है वो आएगी तो उसको हम इस चीज़ के अगेंस्ट करेंगे। दूसरी बेर भी बात यह है कि हमारे दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड वट एवर वीकनेस यू हैव पॉइंटेड आउट आई एग्री विद दैट एंड टेक्सटाइल। कोविड आए या जो भी आए, दुनिया में लोग खाना खाते रहेंगे, खाने की रिक्वायरमेंट रहेगी और कपड़ा पहनने की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये इन दोनों चीज़ों को छोड़ के चले हैं मकान बनाने, उसकी पता नहीं कब उसकी बारी आनी है। जो जिंदा बचेगा उसको मकान तो मिल जाएंगे लेकिन रोटी कपड़ा तो सबको जिंदा रहने के लिए चाहिए। आई थिंक दे नीड टू फोकस ऑन दीज टू सेक्टर्स, यहाँ पे ये प्रोडक्शन बढ़ाए और यहाँ पे जहाँ जहाँ इनके ऑर्डर्स हैं ताकि ये उनको ऑनर कर सकें और आगे की तरफ चलें। मुझे इन चीज़ों में एक बहुत बड़ी लेथार्जी नज़र आ रही है और इस लेथार्जी में वी आर लूजिंग टाइम। और दूसरा जो है, आई थिंक वील हैव टू गो फॉर अ कट ऑफ पे टू द पीपल एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, मे बी वी शुड स्टार्ट इन दिस बजट, ग्रेड 20 एंड अबव शुड बी, देयर शुड बी स्लैशिंग ऑफ देयर सैलरीज बाय 10%, ताकि एक ट्रेंड सेट हो और लोगों को पता चले कि वाकई इस वजह से क्राइसिस के तौर पे ले रहे हैं। अभी आई थिंक वी आर नॉट सीरियस टू हैंडल दिस क्राइसिस, मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई विश आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल असेसमेंट यह है एट नेशनल लेवल स्पेशली एट नेशनल इकोनॉमिक टीयर के ऊपर हम बिल्कुल ही सीरियस नहीं है इस चीज़ को। हम कहते हैं शायद अल्लाह की तरफ से आई है और आखिरी रोजे के साथ चली जाएगी, ये हमारी है अंडरस्टैंडिंग। या हम समझते हैं कि लोग हमें ये 1.2 बिलियन, 1.4 बिलियन डॉलर्स कहीं से बाहर टपकते रहेंगे दो दो तीन तीन महीने के बाद, आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन। और जब तक हम इनको भी प्रॉबेबली बहुत सारे जो है लोन हैं, ग्रांट में नहीं है, एड नहीं है एंड कुछ उनसे हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ मांगे कोविड को काउंटर करने के लिए, वी शुड से भाई हमें लोन मजीद नहीं चाहिए, हमें एड जितनी दे सकते हो वो दे दो, उसके ऊपर हमें निगोशिएट करना चाहिए। फिर रिसाइकलिंग ऑफ अवर लोन्स एटलीस्ट 3 years एंड बियॉन्ड, जब तक हम इसको एक्ट नहीं करेंगे इसका इम्पैक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आई थिंक जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर दावे बहुत सारे हैं बट आई डोंट थिंक सो कि हम ग्रास रूट लेवल को कवर कर चुके हैं। अवर ग्रास रूट लेवल इस वक्त बहुत पतले हालात में है एंड वी आर स्लिपिंग फर्दर इन टू डैट। कैन वी इमेजिन रनिंग ए हाउस होल्ड विद 3,000 rupees पर हेड पर, आई डोंट नो हु कैन मैनेज दैट बजट एंड व्हाट विल दे ईट। आप जो बाजार के रेट है उनको देख के और एक नॉर्मल मॉडस्ट दाल रोटी खाने में भी अगर एक आदमी को ये चाहिए बजट मैनेज करना तो भाई मेरे ख्याल में मुश्किल बात है, या तो हमारे जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि एक आम आदमी की मुश्किल क्या है, उनकी डेप्थ क्या है, या ये आई डोंट नो कि ये क्यों कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिर्जा हामिद हसन साहब को भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वकार भाई आप बताइएगा। जी शुक्रिया खालिद रहमान साहब। वकार भाई ने इतना वसी अहाता किया है हर चीज का कि अब हर चीज को उस पर कमेंट करना या उसको समझना दरकार है उसके लिए काफी, लेकिन असल मसला ये है कि ये इट इज लाइक ह्यूज अर्थक्वेक, जैसे कि 1935 में शायद क्वेटा में आया था या जैसा 2005 में हमारे यहाँ आया था, उसमें आप ये नहीं देख सकते कि क्या क्या तबाह हो गया, सभी कुछ तबाह हो गया। उसमें ये तलाश करना चाहिए कि क्या बच गया है और जो उम्मीद की किरण होगी वो वहीं से फूट सकती है जो बच गया है। तो इसमें अब अगर हम अपनी इकोनॉमी का जायजा लें, एक जनरल कमेंट ये है कि वो वकार भाई ने कहा था कि वो IMF की चीफ ने भी कहा है कि लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइवलीहुड्स, यस दे आर एंड दैट्स व्हाई दी वो कोरोना वायरस जो है मेरा ख्याल है कोई बाशऊर मखलूक है शायद, और उसको ये पता है कि मुझे किस हथियार के जरिए से इंसान को मारना है, मौत के जरिए से नहीं मारना, इसको इकोनॉमी के जरिए से मारना है। तो वो सारी इकोनॉमी
हमारी जो है वो जब बंद हो जाएगी तो लाइवलीहुड्स नहीं होंगी तो इंसान खुद ब खुद मर जाएगा। लिहाजा इंसान को मारने का आसान तरीका यही है कि लाइवलीहुड्स खत्म कर दी जाए। नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स। अब कैसे प्रोटेक्ट हो सकती हैं ये सबसे अहम सवाल है। जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं या जो कर रही है वो बहुत कम है, ना काफी है और लोगों तक नहीं पहुंच रहे। मैंने अब तक जितने लोगों से बात की है एहसास प्रोग्राम के तहत कि भाई आपको कुछ हुकूमत ने दिया, वो कहते हैं जी अभी तो सवाल जवाब ही हो रहे हैं, अभी वेरिफिकेशन हो रही है। कितनी दफा लोग आते हैं, कभी आईडी कार्ड की कॉपी लेके चले जाते हैं, कभी कुछ पूछ के चले जाते हैं। यानी अगर इस्लामाबाद जैसी जगह पर जो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पर यह हालत है कि अभी तक वेरिफिकेशन की स्टेज से बाहर नहीं निकले, और वो एक बहुत ही कलील सी रकम जिसमें किसी का गुजारा नहीं हो सकता वो भी उनको नहीं मिल रही है, तो जाहिर है कि फिर हम तो लाइवलीहुड्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनको प्रोवाइड कर सके। और जो इस वक्त जो हमारा मुखैर तबका है और आम आदमी, यानी कोई बड़े बड़े मुखैर हजरात नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हुकूमत का बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। जो लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि कैश भी इमदाद कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मसलन मैं ये जाती तौर पर वाकिफ हूँ कि हमारे दोस्त अहबाब अक्सर जो हैं जिनके मुलाजमीन को उन्होंने छुट्टी दे दी है क्योंकि वो तो कोरोना के खतरे की वजह से आ भी नहीं सकते काम करने के लिए, लेकिन तनख्वाहें उनको दे रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जो हुकूमत की इमदाद हो रही है, मैं समझता हूँ ये भी एक उनके लिए बड़ी मदद है। अब इकोनॉमी को अगर देखें तो जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा इकोनॉमी का, और सर्विसेज सेक्टर में फॉर्चुनेटली काफी हद तक अभी काम हो रहा है, चूंकि वो फासले से काम, बैंकिंग है, आईटी सेक्टर है, एजुकेशन, टेलीकॉम है, ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जिनसे रेवेन्यूज भी आ रहे होंगे हुकूमत को, और बल्कि मैं समझता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर से तो शायद रेवेन्यू बढ़ गया होगा, इसलिए कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सब फ्री है जी, सब फ्री है, देखिए हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं, ये ऑल फ्री। हाँ फ्री, यस यू आर राइट, लेकिन ये कि वो बहरहाल जो वाईफाई के जरिए से आता है वो भी तो टैक्स, और तरीके हैं, और तरीके भी हैं। तो बहरहाल ये एक सर्विसेज सेक्टर है जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए कि भाई इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री को तो फिलहाल हमें भूल ही जाना चाहिए, इंडस्ट्री को आप चला नहीं सकते। अगरचे तेल बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जब तक कि लॉकडाउन टोटली खत्म ना किया जाए इंडस्ट्री कैसे चलेगी। अच्छा आपने इंडस्ट्री को इंटरेस्ट रेट लो कर दिए हैं, लेकिन मसलन आपने इंडस्ट्रीज को ये कहा है कि अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देते रहो, और उनको स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया है कि इनको आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दें, लेकिन फील्ड में ये सूरत हाल है कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन तो ऑफर हो रहा है उनको, लेकिन उसमें इतना पेपर वर्क इन्वॉल्व है और साथ उनसे कोलेटरल भी मांगा जा रहा है। तो अब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रही, जो किसी किस्म की प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उनको उससे माली मनफियत नहीं हासिल होगी, वो सैलरी भी दें अपने स्टाफ को और फिर उसके लिए कोलेटरल भी अपना रखें, तो ये किसी को भी मेरे ख्याल है कि काबिल कबूल नहीं होगा, और ना होगा, ना हो रहा है, ना ये चलेगा इस तरह का सिस्टम। तो ये इनको इस चीजों पे सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो वो एक मुहावरा है जरा नाजेबा सा कि वो दूध में मैंगनियां डाल के मत दो। तो ये वो काम हो रहा है। और दूसरा सेक्टर जो हमारा है जो अभी काफी हद तक चल रहा है वो एग्रीकल्चर है। उसकी वजह ये है कि वो देही इलाकों में होता है, वहाँ कोरोना का इतना असर नहीं है, वहाँ की एक्टिविटीज काफी हद तक जारी हैं, और यही वो सेक्टर है जिसको हमें चाहिए कि हम ज्यादा तवज्जो दें, चूंकि इससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी मुतालिक है,
इसी से लिंक्ड है और इससे हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत हद तक लिंक्ड है और ये बेशुमार इसके जो फायदे हैं, इसलिए कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका एम्प्लॉयड है इसमें, तो लाइवलीहुड्स भी ये प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक्सपोर्ट एवेन्यूज भी प्रोवाइड करता है, आपकी फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो लिहाजा मैक्सिमम तवज्जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमें जो देनी चाहिए वो एग्रीकल्चर पे देनी चाहिए और सर्विसेज सेक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी करनी चाहिए। तो ठीक है हमीद भाई, अच्छा है अभी और एक दो चीजें और मैं ग्रोथ का मसला तो जाहिर है कि ये तय है कि ग्रोथ हमारी नेगेटिव होगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब बैलेंस बजट, बजट को बैलेंस करने वाली बात जो अभी जैसे खालिद इकबाल साहब ने भी की कि अब कैसे बैलेंस किया जाए, इसलिए कि रेवेन्यूज आपके कम हो गए हैं और बजट में आप कमी ला नहीं सकते, कैसे लाएंगे आप उसमें से। चलिए डेट सर्विसिंग में आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये बोझ आपका फिलहाल कम हो जाएगा, आगे एक और बड़ा पहाड़ खड़ा होगा डेट सर्विसिंग का, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इस साल के लिए आपका ये एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये बोझ में कमी इतनी होगी कि जिससे आप अपने बजट को मैनेज कर सकें, करंट बजट की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट को तो हमें भूल ही जाना चाहिए मेरा ख्याल है फॉर द टाइम बी, करंट बजट में क्या आप इसमें गुजारा कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि ये हो सकता है। और उस पे हमें गौर करना चाहिए कि किस तरह से हम मीट करेंगे, कहाँ कहाँ हम कमी करेंगे, कहाँ कहाँ हम कमी कर सकते हैं। तो बस ये चंद गुजारिशात में करना चाहता था, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल वकार भाई आप सारे जो निकात उठाए गए हैं उनके बारे में अपना रिस्पांस दे दीजिए, बल्कि आप एक बिल्कुल आसिम एक सवाल कर रहे हैं। जी आसिम, वन लाइनर। जी सर, बस सर पूछना ये है कि अपकमिंग बजट में वो कौन सी तीन चीजें हैं जिनके ऊपर हमें कैटेगोरिकली फोकस करना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और COVID-19। ओके, यानी वन लाइनर ही है लेकिन उसमें कई लाइनें मौजूद हैं। जी वकार सर अभी आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तबसरों का। मैं बहुत इख्तसार से जवाब दूंगा, सबने अच्छे 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 तबसरे और सवाल किए हैं। देखिए बिल्कुल डार साहब ने कहा रेमिटेंसेस के हवाले से तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जरा अभी मतलब देखिए 9 मिलियन से ज्यादा हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं और मतलब जो जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वो मजदूर हैं और मजदूर भी अच्छी तादाद है, ठीक है जी। तो अभी मालूम नहीं, अभी तक तो यानी इस साल जो है पॉजिटिव ग्रोथ ही है प्रोजेक्शन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने एक जंप लगा के कोई टुल्ला मारा है कि निजी 9% कम हो जाएंगे। ओ भाई कहाँ से 9% कम हो जाएंगे, ये 10 महीने तो गुजर गए, ठीक है जी। अभी आ जाएगा नंबर अप्रैल का 2-4 दिन के अंदर और उसमें जो है यानी 9 महीने में तो आपके पास कोई 3-4% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये आगे जाके मतलब ये नहीं है कि 9% नेगेटिव हो जाएगा। भारत स्टेट बैंक की और मतलब यानी कि ग्रुप की जिसका भी जिक्र किया था उन लोगों की सोच जो है वो यही है। अब मैंने तो फिर भी मतलब जो है ग्रोथ के मामले में डार साहब मैं तो बड़ा एहतियात से काम लिया है, ठीक है, और मैंने कहा कि अगर 50 से कम हुई तो मुझे खुशगवार हैरत होगी। तो मतलब यानी कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल इससे बड़ी भी बात हो सकती है, ठीक है जी। मतलब भाई इस वक्त घर में बैठ के बंदा गरीब ही हो रहा है ना यार, कोई कितने अमीर भी क्यों ना हो, सिवाय इसके कि वो जिसके पास कोई स्टॉक्स हैं और जिसके पैसे बैंकों के में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर आमदनियां हो रही है, उससे छोड़ के हर कोई घर में मतलब अच्छा खासा जो दरमियानी दर्जे का साहिब हैसियत बंदा है वो पैसे अपनी अपनी सेविंग्स को खत्म कर रहा है, ठीक है ना, इस दौरान के अंदर। तो ये चीज हर तरफ हो रही होगी और यही अमल है ग्रोथ के ना होने का, बल्कि
आपकी मतलब मजमुई तौर पे गुर्बत, यानी अमेरिका भी गरीब होने वाला है, अगर 30% उसकी जीडीपी उड़ जाएगी और आगे कुछ नहीं है तो वो भी गरीब हो जाएगा। सिवाय चीन के किसी और को चैन नहीं है भाई इस मामले में। अच्छा ये आपने सही कहा कि जब 3 साल का टैक्स मिल रहा है आपको तो 3 साल पहले के एक्सपेंडिचर, भाई मतलब यानी कि ये तो बदकिस्मती है ना कि जो खर्चे जो हैं वो लाके रख दिए जाते हैं कि भाई ये खर्चे तो होने, और फिर मतलब यानी कि अगर होने हैं जबकि आमदनी नहीं है तो दूसरा रास्ता तो कर्जों का ही है, और कर्जे जो हैं यानी कि ये जितना भी आप डेफिसिट करेंगे, देखें डेफिसिट इस वक्त जो है अगर 10% हो गया तो मौजजा होगा, ठीक है। अभी जो 2-3 महीने हैं बाकी इनके अंदर आप देखें जो रेट ऑफ इन्फेक्शन 1200-1300 लोग पर डे हो गया, और ये बहुत 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 खतरनाक है। 1200-1300 लोग अगर आ रहे हैं तो आप देख लें कि मतलब जो अनुवाद की शरह है वो भी कुदरती तौर पे जो है उसमें इजाफा होगा। कल कराची के अंदर बड़ा मतलब हैबतनाक वाकया हुआ है कि एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो बेचारा एक अस्पताल दूसरे अस्पताल जो है भागता फिरा, और उसको वहां से एम्बुलेंस से उतरने नहीं दिया कि भाई आईसीयू खाली नहीं है। अब ये सब के सब भागते फिर रहे हैं जो ये कहते थे कि जी हमारे इतने वेंटिलेटर्स हैं, इतनी जगह हमने इतने दे दिए या नहीं दे दिए। वो कह रहे हैं कराची में जो है कोई जो है 800 वेंटिलेटर्स में से 25 जेरे इस्तेमाल है, बाकी सब अवेलेबल। कहाँ अवेलेबल है यार, ये वाकया तो हो गया ना, ये क्या मतलब इसकी मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं मुझे तो बड़ी जाती तौर पे तकलीफ है। ये वो मौका है जिसमें बंदा कहता है यार अगर खुदा ना खास्ता कल मैं इस चीज में होता तो मेरे साथ क्या होता है। तो एक वाकया जो है वो दिल दहला देने वाला है, ठीक है जी, और इसी वजह से इस पर तबसरे हो रहे हैं और हर कोई आन के अपनी वजाहतें जो है वो रख रहा है। सो हम जो है अच्छा मैं थोड़ी सी मतलब एक तो पहलू हो गया आम तौर पे जो बजट डेफिसिट वगैरह की बातें हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आम हालात नहीं है, ये तो जंग वाले हालात। अच्छा अब जंग वाले हालात हैं और इस वक्त जो है यानी कि मुझे ऐसे शख्स जो मतलब यानी कि जिसका शोहरत जो है वो कंजूस की रही है, मैं कह रहा हूँ दिल खोल के पैसे खर्च करें लोगों की मदद करने। मैंने आपको बताया था एहसास के मामले 60,000 दें, ठीक है जी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कोई जमीन जो है फटेगी नहीं, ना आसमान टूट के गिरेगा आपके सर के ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे रुपी एक्सपेंडिचर्स हैं और आपके पास रुपी को छापने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। खामखाई में जो है ये जो ग्रेट डिप्रेशन आता ही ना, अगर जो उस वक्त के जो रिजर्व बैंक के चीफ थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड से ना जुड़े हुए होते, और गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ जब चीजें जुड़ी होती हैं तो पैसे तो आप सिर्फ उतने ही शाया कर सकते हैं जितने बैक्ड बाई द रियल वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड उसके पास खत्म हो गया, अब कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। अब मतलब पेपर करेंसी इन सम केसेस मे बी वर्थ लेस देन द पेपर ऑन विच इट इज प्रिंटेड, बट इट इज अगर आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे तब मसला हो जाएगा, ठीक है, और वहां पर वो बात आ जाएगी मेरी। इसलिए मैंने आपसे एहतियात से कहा था कि भाई इस वक्त हमारे डॉलर का कोई मसला नहीं है और कीमत भी टूटी हुई है ऑयल की, तो उससे भी हमारी जो है आसानी हो रही है। तो अब जावेद खालिद इकबाल साहब ने भी ये बात कही, आपने भी की, देखें ये वो दिन नहीं है, यू नो ये तुझे अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं वाली बात है, मतलब ये नफासतों के दिन नहीं है। इस वक्त जो है जंग हो रही है और जंग के हालात के अंदर आपने वो काम करने हैं जिससे आप जंग जीत सकें, और जंग जीतने के लिए बस मतलब आपने लॉकडाउन तवील करना है, लोगों तक पहुंचना है, उनको पैसे देने हैं। आप फिक्र ना करें कि पैसों का मतलब मैं कहां से इंतजाम करूंगा। अच्छा आईएमएफ ने आपको सहूलत दे दी और उन्होंने कहा कि जनाब कोविड की लड़ाई
سے متعلق کا تمام اخراجات جو ہے نا وہ ہم اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگیٹ سے علیحدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی صاف سوال. یہ جو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ ٹھیک رہنے چاہیے, ورنہ آپ کی اپنی کرنسی ہے, آپ کے اپنے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. ابو آل بھائی یہاں پر ڈیمانڈ ہے کیا, یعنی کہ یہ پیسے جائیں گے تو اس سے تو کاروبار چلے گا, اگر یہ پیسے نہیں ہوں گے تو کاروبار, یعنی کہ اس وقت معیشت جو ہے آن کے گرائنڈنگ ہالٹ پر ہے. آپ نے معیشت چلانی ہے جبکہ لاک ڈاؤن جاری رہے, تو وہ ایسی صورت ہی ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ دیں, تھوڑا سا وہ خرچ کریں جس سے مانگ پیدا ہو اشیاء کی اور مشین کا پہیا چلنے لگے, یعنی وہ یہ غذائی حد تک ہی رکھے, آپ الیکٹریسٹی تک رکھے, گیس تک رکھے. ٹھیک ہے جی, تو مطلب یہ جو موقع ہوتا ہے کہ جب فل امپلائمنٹ ہو اور اس میں آپ منی کو بڑھائیں تو وہ صرف اور صرف پرائسز کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے. ابھی تو فل امپلائمنٹ نہیں ہے, ابھی تو مطلب آپ کا جو ہے بدترین ان امپلائمنٹ سے آپ گزر رہے ہیں, تو ایسے میں آپ کے لیے جو منی ہے ابھی تک سمجھے نہیں ہے لوگ اس ساری بات کو, بارہ ہم نے اپنی سی ہر کسی کو سمجھائے دے رہے ہیں بار بار. اور دیکھیں ابھی تو رو رہے ہیں آپ لوگ, یہ تو میں میرے اس میں بھی نہیں تھا ایجنڈا میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ احساس پہنچا ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے. میں نے کہا نا ابھی 1.2 کروڑ تک نہیں پہنچیں گے لوگ, اب یار مطلب کیا رہ جائے گا مطلب. اور پھر مجھے خوشی ہے کہ کسی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ فلنتھراپسٹ جو ہیں انہوں نے عیوب حکومت جو ہے ان کو چھپا لیا ہے. اتنی بس مطلب کہتا ہوں یہ ریڈیمنگ فیچرز ہیں ہمارے اپنی سوسائٹی کے, کہ یہ سوسائٹی جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گی. اچھا جی, اگلا سوال یہ تھا آپ کا, تو مطلب ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھ رہا تھا یہی بیسیکلی آپ کے سوال تھے, اور اگلے بجٹ وغیرہ کے اندر پھر میں آپ سے یہ دہراؤں گا کہ بجٹ کو بہت زیادہ مت دیکھیے, جب یہ چیزیں نہیں چل رہی ہوں گی تو آپ کا ٹیکس بھی نہیں آ رہا ہوگا, ٹیکس نہیں آ رہا ہوگا تو پھر کیا آپ کا فسکل ڈسپلن رہ جاتا ہے. تو اچھا ہم میں نے بتایا حالت جنگ میں تو یہ دے دیں بجٹ, بجٹ دینا جو ہے ایک آئینی ذمہ داری ہے, لیکن بجٹ جو ہے وہ کوئی مانی خیز نہیں ہوگا, اور اس سے عام حالت امن کے بجٹ جیسی توقعات وابستہ نہ کرے. اچھا اپنے محمد علی نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ انڈسٹری لیبر آؤٹ پٹ اور یہ سب کے سب بھائی بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا اب ایکسپورٹس دو طرح سے متاثر ہوتی ہیں, اب ہو رہی ہیں اپنا لاک ڈاؤن اور دنیا کی مانگیں ختم ہو گئی آپ کی ایکسپورٹس کی, یعنی ڈبل جیپرڈی ہے نا ایکسپورٹس کے لیے کہ یار یہاں پر لاک ڈاؤن میں مطلب جو ہے میں وقت پہ چیزیں تیار نہیں کر پا رہا ہوں, دوسری طرف وہاں پر مانگ ہی نہیں ہے ایک آدھ مطلب کوئی چیز جو ہے مانگ کرنے کے لیے لے کر آ جائے وہ, تو بھارت کچھ ہے تھوڑا بہت مانگ. یہ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ایکسپورٹس بری طریقے سے متاثر ہوں گی, آپ کے ریمیٹنسز متاثر ہوں گے, لیکن میری تھیسس یہ ہے کہ یہ جو دو نقصانات ہیں یہ ہماری جو آئل بل ہے اس میں جو بچت کریں گے یہ ان سے کم ہو. ٹھیک ہے, یہ بس تھیسس ہے, ذہن میں رکھ لیں آپ. اچھا جی, مطلب خالد اقبال صاحب نے بڑی تبصرے ہیں زیادہ تر آپ کے سر, میں آپ ہی کے کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں فکر نہ کریں, پے پینشن وغیرہ جو ہے نا یہ لوگ گمراہیاں پھیلانے رکھتے ہیں بھائی, مطلب ساری تنخواہیں روپے کے اندر متعین ہیں, تو پاکستان کو کبھی روپے کو پیدا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, تو آپ جمع کھاتے رکھے کسی کے نہ پینشن. اچھا اور یہ کوئی آپ سے یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ اپنی تنخواہ کاٹ کے دے دیں بھائی, مطلب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سہولت جو ہے جو ہے, اگر پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ آن کر کوئی دینا چاہتے ہیں چندہ حکومت کے کام میں وہ بہت اچھی بات ہے, تاکہ ذرا سا اس طرف سے بھی آ جائے, لیکن حکومت کو مطلب کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے تو باہر کے ڈالرز کی ضرورت ہے,
जितने भी वो आ जाए आपके रिजर्व अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको मेडिकल सप्लाईज मंगानी है, आपको वेंटिलेटर्स मंगाने हैं, आपको अद्वियात मंगानी है, फिर ये लोकस्ट वगैरह आ रहा है, इससे लड़ना है आपने। और जैसी तैसी आपकी चल रही है सनत, उसके रॉ मटेरियल्स आने हैं, मतलब यहाँ तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स भी है तो उसके अंदर जो है 20-25% का जो है अब तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। सारी डाइज, सारे बटन, सारे मतलब जिसे कहते हैं जिपर्स, रंग करना, ये करना, वो करना, ये सब के सब जो है बाहर से होते हैं, यानी इम्पोर्टेड इनपुट्स पे होते हैं। या अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो स्टील मिल बंद पड़ी, आपकी बहुत सारा मतलब माल जो है या आपका जो है शिप ब्रेकिंग से आता है, या आप बिलेट्स वगैरह जो है इम्पोर्ट करते हैं, तो मतलब यानी कि आपको इम्पोर्ट्स की जरूरत होगी, इम्पोर्ट्स को आप बढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए खतरे का सिग्नल आ गया है कि जी क्योंकि तेल की कीमत खत्म हो गई तो आपकी $10 बिलियन की जो इम्पोर्ट थी वो $3 बिलियन पे आ गई। इससे खुश होने की बात नहीं है, साथ में ही $7 अरब की आपकी सनत बंद हो गई। वो कहाँ जा रहे थे पैसे, कोई मतलब कोई खा पी रहा था मुंह में अपने डालने के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। उससे मशीनरी आ रही थी, उससे अद्वियात आ रही थी, उससे ऑटोमोबाइल्स आ रही थी, सैकड़ों बसें आ रही थी है। चलिए, तो मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा था कि सर आप इस वक्त ऑस्टेरिटी इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट। लोगों से आप इतनी अजीबो गरीब कुर्बानी ले रहे हैं कि अपने घरों में बैठे रहो और अपनी आमदनियों से भी महरूम हो तो उसकी जगह मैं छोटा मोटा जो तुमको दे दू कैश हैंड आउट उस पर गुजारा करो। अब आप उसके ऊपर कहें कि यार मैंने ऑस्टेरिटी भी करनी है। ऑस्टेरिटी का अच्छा ऑस्टेरिटी कहाँ होगी जब इन दिनों के अंदर? तो मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त हमें ऑस्टेरिटी की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें जो है हाँ मतलब देखे वो तो अगर फजूल खर्चियां हैं वो तो आप हर वक्त वेलकम है, खुश आमदीद है, वो करेंगे ना। तो ये पेरोल फाइनेंसिंग की बात जो है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि मतलब कोलैटरल ले रहे हैं वो कर रहे हैं लोग, अगर आ रहे हैं और अपने लोगों को रख रहे हैं और आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप मतलब जो है मतलब ठीक है, आप भी एहसान कर रहे हैं वो भी एहसान कर रहे हैं दोनों है। तो बिल्कुल मैं सर यही कह रहा हूँ कि वो जाके बिजली के बिल में डाल दी, बिजली का बिल जो है कब जाकर वो रियलाइज होगा? हमें तो मतलब जो है इन लोगों को मतलब अब तक इनके इनके अकाउंट से पैसे चले गए तनख्वाहों के लिए भी, और हमने तो कहा था कि जी आप सिर्फ ये कह दें। देखिए अमेरिका में बड़ा सादा सा जो है ना पे प्रोटेक्शन जो है एक्ट आया है। पे प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है भाई? मतलब वो एम्प्लॉय जो अपने पेरोल, रेंट और एक तीसरी चीज अपना एम्प्लॉयज पेरोल और एक तीसरी चीज एम्प्लॉयज पेरोल, तीनों चीजों को बार बार दोहरा रहा हूँ, अपने अपने रेंट और वेज और एक तीसरी चीज है, अगर इनमें खर्च करेगा तो वो मतलब जो है उसको उसको वो दे रहे हैं अब उसकी उसके स्केल के मुताबिक, और एक साल बाद उसको माफ कर दिया जाए। अच्छा अमेरिका के पास कहां से कोई गोल्ड ऊपर से आसमान से उतर रहा है जो खर्च कर रहा है? वो ये डॉलर ही प्रिंट कर रहा है ना, और क्या कर रहा है? वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अब इसके क्या बाद में असरात दुनिया पे पड़ेंगे ये देखी जाएगी बात। फिलहाल मतलब जो है वो खूब दें लोगों को भाई, मैं कैसे 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 बताऊंगा आपको। अच्छा जी, अब ये मिर्जा साहब जो हैं इनके तबसरे जो हैं, ये मिर्जा साहब का मैंने कमेंट आपस में मिला दिया था उधर से, ये देखें मिर्जा साहब ज्यादातर तो कमेंट्स ही हैं कि बिल्कुल अर्थक्वेक के तरीके से आन के लगा है और रिलीफ अभी तक नहीं पहुंचा है लोगों के लिए, बड़ी काबिल एतराज बात है।
और फिलैंथ्रोपिस्ट में जो है आम के यू छुपा लिए। अच्छा, और ये कि सर्विसेज जो है वो मुतासिर होंगी, बिल्कुल जो है मुतासिर होंगी कुछ कुछ सर्विसेज में। देखिए ऐसे तो देखें आज भी विनर्स हैं, ये जो जूम है इस ये तो मतलब इसमें इसमें तो मतलब रूफ फाड़ रहा है, ऐसा ये ऊपर जा रहा है। हमारे पास ये आपके पास जो है ये $10 वाला है ना, $20 वाला है, और बनना 40 वाला इंसाइट करने के लिए बुला लेते हैं 40 वाला जो है। अच्छा जी, फिर जो है इंडस्ट्री जो है फ्रीजिंग हो रही है बिल्कुल, और मतलब जो है ऐसी रहेगी। अब पेरोल फाइनेंसिंग को मैंने कह दिया आपसे, और बैलेंस बजट वगैरह के मुताबिक मैंने आपसे कह दिया। अब देखें मैं आपसे बताऊं कि इस बजट के अंदर ये आसिम साहब का सवाल भी जो है वो आ जाएगा। तो देखिए मैं तो समझ रहा हूं कि ये एक कार्रवाई हो, शायद कभी ऐसा बजट ना हुआ हो जिसके अंदर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपने इतना इतना लोगों को रिलीफ दे दिया, मुझसे कोई कहने लगा यार कंसेशन टैक्स के, ओ मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, खुदा के वास्ते इतने तो तुम्हारे रिफंड वापस कर दिए हैं। 3900 का जो है वो टैक्स आ रहा है, जो IMF ने तो चाहता 5550 हो, तो हम तो चाहते थे कम से कम 4500 हो जाए, तो 700 अरब रुपए का तुमको ये हमने आसानी दे दी। फिर उसके बाद तुम्हारे सारे लोन्स रिशेड्यूल करवा दिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स आगे बढ़वा दी। खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें अब किस चीज की जरूरत है और इससे ज्यादा। हाँ सहूलतें कोई अगर हो, आसानियां पैदा करने के लिए प्रोसीजर्स में उसमें वो होंगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी इस मौके पर आप जो है वो GST जो है डोमेस्टिक अपने कंजम्पशन के ऊपर वो कम कर दिए, 5% कर दें। भाई ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये कि ये एक मजबूत निजाम है, जिसमें एक हिस्सा काट के ये नहीं हो सकता कि दूसरे हिस्से मुतासर ना हो, सबके ऊपर यकजा चीज आती है। हाँ अब ये बात को ये कहे कि चलो ठीक है सर आपकी बात मानी, लेकिन 17 को 15 कर देना चाहिए, 16 कर देना चाहिए, मतलब ये बातें की जा सकती है। लेकिन ऐसी हालत में जब कि टैक्स ना आ रहा हो ये करना जो है, फिर देखे ना ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत चाह रही है कि हम ये काम इस तरह से करें कि IMF से भी मामला इल्का रहे, उनसे टूट ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी फिर आप जो है वहां पे खड़े हो जाएंगे जाकर, जिसमें आपको आपके पास डॉलर्स जो है वो नहीं होंगे। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि बजट में मैं तो कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं देख रहा, यानी यही जो देखिए अभी तक एक और अंदाज मेरा इन बातों को बताने के लिए ये होता है कि जब जैसे अपने अपने हामिद भाई ने कहा कि जी ये बहुत बड़ा जलजला है। अच्छा अब जलजले की जो है ना उस काम में हमने जब आया था अक्टूबर वाला, उन दिनों में ये चीजें समझी कि सबसे पहले जो है रेस्क्यू का काम होता है कि भाई कोई बच गया है, नहीं बच गया इसमें से निकाल लो अगर कोई हो करने के लिए। जब वो काम मुकम्मल होता है तो जिनको बचा मुझे के बाहर लाके खड़ा किया है तो उनको कहते हैं यार, या जो मकानों से निकल गए हैं बेघर हैं उनको रिलीफ पहुंचा दो, कैंपों में रख दो, ये हो जाए वो हो जाए, फिर जाके काम शुरू होता है रिहेबिलिटेशन का, नए शहरों के बसने का। ये तो अभी मतलब बहुत रिलीफ रेस्क्यू रिलीफ वाले उसके अंदर दूर की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इसी वजह से ये जो आप खालिद इकबाल साहब को ये बात पसंद नहीं आई, ये जो थिंक टैंक है ये कोविड के मसाइल से नबर्द आजमा होने के लिए, या उनके लिए मतलब नबर्द आजमा का यानी दे हुकूमत को सिफारिशात और इससे मुताल्लिक। अच्छा वो वहां पर बातें ठहर गई थी, वो मतलब जो है लंबे लंबे प्लान्स और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग वगैरह, हमने मतलब फिर तय किया कि नहीं यार अपने आप को जरा समेट लें और इससे मुताल्लिक जितना काम करना चाहे करें आप, लेकिन कोविड रिलेटेड रखें, इम्पैक्ट रिलेटेड रखें, सही है। तो इस नुक्ता नजर से जो है ये सारी बातें हुई। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई, अब ठीक है खालिद भाई जी, जजाकल्ला। मेरा ख्याल है कि
हमने अपने टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सवाल सर ये था कि क्या ये जो आपने सजेशन दी थी 60,000 रुपया दो ट्रांशेज में देने का, क्या वो हम कैसे देंगे, उसको प्रिंट करके वो पैसा आएगा कहाँ से, प्रिंटिंग की जा सकती? हाँ यार, मतलब कमाल है बिल्कुल। बैंकों में हुकूमत पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन मशीनें लगी हुई हैं जिससे प्रिंटिंग होती है और वो स्टेट बैंक से फिर जो है आ जाती है। की सूरत हाल के तौर पे सामने रखना चाहिए। ये कोई मामूल के दिन नहीं है कि मामूल की बजट की कार्रवाई हो, और ये चीज के भाई लोगों के पास अगर खर्च करने के लिए होगा तो वो किसी न किसी शक्ल में पहिए को जारी रखेगा, लेकिन अगर खर्च करने के लिए नहीं होगा तो पहिया तो वैसे भी बंद हो गया है, तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मेरा ख्याल ये की मैसेज है जो वकार भाई ने दी है। और जरा एक आउट अच्छा, एक बात और इसमें शामिल कर लें खालिद भाई, ये कि ये आज अल्लाह का शुक्र है गोल्ड स्टैंडर्ड से नहीं जुड़े हुए कि जिसमें मजबूर हो। मैं यही कह रहा था कि आपने जो उसके बाद इसको बहुत ही मुतायन तौर पे एक आउट ऑफ बॉक्स बात की है जिसको लोग कहते हुए बड़ा घबराते हैं, तो ये मेरा ख्याल है हमारे आज के इस सेशन का हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों का भी इनेकाद करेंगे।